लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी इकरा सर मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि नजदीकी चुनाव होने हैं। इकरा जी, आपका स्वागत है न्यूज 24 के साथ। जानना चाहते हैं कि जो कैंपेन चल रहा है उसको लेकर के, क्योंकि बड़ी दिग्गज पार्टियां मैदान में नहीं आई, जो विपक्ष पार्टी है, पीएम रहे, सीएम रहे, वो सब आए मैदान में कैराना लोकसभा को लेकर के, लेकिन अभी तक आपके साथ कोई भी बड़ा नेता नहीं सामने आया, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, इससे यही साबित होता है कि जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके पास अपनी कोई विकास का ऐसा काम दिखाने को नहीं है जिसके बलबूते पर वो वोट मांग सके। उनके पास सिर्फ प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जैसे चेहरे हैं जिनके बलबूते पर उन्हें पिछली बार वोट मिले थे, और इस बार भी वो सोच रहे हैं कि वही कार्ड वो प्ले करेंगे और उनका फॉर्मूला चल जाएगा। लेकिन जनता पिछले 5 साल से त्रस्त रही है। सत्ता और जनता के बीच में जनप्रतिनिधि कड़ी होता है। डबल इंजन की सरकार का फायदा जो हमारे देश को, हमारे क्षेत्र को मिल सकता था, वो नहीं पहुंचा है क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया। तो आज उनकी योग्यता पर सवाल है और उसका जवाब उनके पास है नहीं। सिर्फ मोदी जी, योगी जी के नाम पर इस बार जनता वोट नहीं देगी क्योंकि अब जनता त्रस्त है क्षेत्र के काम, विकास और उनके बीच में रहने वाले को वो वोट करेंगे। आप काफी मेहनत मैदान में कर रही हैं क्योंकि और कोई नेता तो साथ में नहीं है, और जो आज मौर्य जी आए हुए हैं शामली जनपद में कैराना लोकसभा में, उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि सपा गुंडों की फैक्ट्री है। अतीक हुआ या फिर मुख्तार हुए, ऐसे बदमाश केवल बसपा समाजवादी पार्टी ने दिए। भाजपा तो ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री है। भाजपा ने किसानों के साथ जो उत्पीड़न किया है, आज किसानों का वोट लेने के लिए वो आ गए हैं। हर वर्ग के साथ जिस तरीके से उन्होंने हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया है, हाथरस की जो घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है, आज भी हमारे याद है। और लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से इन्हीं के मंत्री के एक बेटे ने किसानों को कुचला था, उसको आज फिर से इन्होंने टिकट देने का काम किया है। और उसके बाद जो हमारी महिला खिलाड़ी है उनको किस तरीके से उनकी इज्जत उछालने का काम पूरे इन्होंने देश में किया, तो ये कितनी बड़ी फैक्ट्री है गुंडों की। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक तानाशाही के कगार पर चले जा रहे हैं। तो मेरी जनता से अपील है कि ऐसे लोगों को बदला जाए। ये बदलाव का चुनाव है, अगर हम चुनाव में बदलाव नहीं करेंगे तो सरकारें तानाशाही की तरफ जाएंगी और वो ही देखने को मिलेगी। लास्ट सवाल आपसे, आप भी महिला है और सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो आपकी सरकार बनती है तो आप किस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे? देखिए, महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं वो महिला एक महिला से शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। मैं जब भी जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर कोई सभा कर रही हूँ तो मैं महिलाओं से जाके ज़रूर मिलूँ। तो उनकी जो भी समस्याएं हैं, यहाँ पर हेल्थ केयर की, एजुकेशन की समस्याएं, उसको संसद में उठाने का काम। धन्यवाद इकरा जी हमसे बात करने के लिए। इस वक्त मेरे साथ कैराना से गठबंधन प्रत्याशी इकरा सर जी मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया था, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडों की फैक्ट्री है, जो अतीक जैसे गुंडों को पैदा करती है। उस पर इकरा ने साफ तौर पे यह कहा कि गुंडों की पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं, भाजपा जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज 24।